हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मेन के लिए कुछ प्रोडक्ट की रिव्यू करने के लिए, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शैम्पू। अगर आप हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेन और वुमेन दोनों के लिए ही मैं एक शैम्पू का रिव्यू आज करने वाली हूँ। जो शैम्पू है फ्रॉम द ब्रांड मार्स बाय GHC गुड हेल्थ कंपनी, ये है हेयर नरिशिंग शैम्पू। अगर आपके एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है, अगर आपके बॉल्ड पैचेस आ गए हैं और अगर आप सोच रहे हैं इस शैम्पू को परचेज करने की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पैकेजिंग की पहले बात कर लेते हैं, तो इस तरीके का एक स्लीक ब्लैक एंड व्हाइट पैकेजिंग में आता है ये शैम्पू। और ये इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है और प्रेस करने से इट ओपन्स और यहाँ से आपका जो शैम्पू है वो निकलेगा। 200 ml का कंटेनर है ये, जिसका प्राइस है 479 rupees, लेकिन आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोडक्ट्स के सारे लिंक्स प्रोवाइड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, और अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये शैम्पू इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। आर्गन ऑयल है, जो हम सबको पता है आर्गन ऑयल कितना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, वो स्किन एंड हेयर को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में अगर किसी भी तरीके का इरिटेशन है या फिर डेड स्किन सेल्स है, जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करता है एंड स्कैल्प को काफी हेल्दी रखता है। लिपोसोमल कैफीन है इसके अंदर। कैफीन क्या करता है, हमारे हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैफीन एक DHT ब्लॉक की तरह काम करता है। अब आपको अगर कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज DHT ब्लॉकर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं DHT एक्चुअली है क्या। DHT का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जितनी मात्रा में आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल होंगे, उतनी ही ज्यादा DHT सिक्रीशन होता है। DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता ठीक से और हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट बॉल्ड पैचेस भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप विमेन हैं तो आपके DHT सिक्रीशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। विमेन की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल सिक्रीशन होता है, लेकिन बहुत ही कम लेवल में एज कम्पेयर टू मेन। मेन के बॉडी में काफी हाई लेवल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है, लेकिन विमेन बॉडी में काफी लो लेवल का टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है, बट इतना ही लो लेवल काफी है DHT सिक्रीशन को इंक्रीज करने में, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम हेयर लॉस फेस कर सकते हैं। इसी वजह से ये शैम्पू मेन वुमेन दोनों के लिए ही है। DHT सिक्रीशन कई सारे रीजंस की वजह से इंक्रीज होता है, जैसे कि अगर आप बहुत सारा वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा है, या फिर आप वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपका DHT सिक्रीशन इंक्रीज होता है, क्योंकि उस दौरान आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होता है इसकी वजह से। सो कैफीन क्या करता है, वो DHT को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक नहीं होते। अगर आपके ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर है, तो इसके अंदर सेरामाइड्स है, जो कि आपके ड्राई डैमेज हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हेयर काफी ज्यादा हेल्दी, सॉफ्ट एंड सिल्की दिखते हैं। सो अब देख लेते हैं कि इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, हफ्ते में कितनी बार करना है। इस शैम्पू की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा थिक है, जिसकी वजह से ये इंटेंसली आपके हेयर को क्लीन करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, लेकिन ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करता, ये मॉइस्चराइज भी करता है। सो आप इस शैम्पू को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेयर वॉश करने के लिए। आपको अच्छे से इस शैम्पू को अपने पूरे गीले बालों पर लगाना है एंड देन अच्छे से मसाज करना है। आप डर्मा रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके का डर्मा रोलर से आप अपने स्कैल्प पर, अपने हेयर पर मसाज दे सकते हैं। ये डर्मा रोलर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग सा लगता है मुझे, तो मैं कभी कभार हाथ से भी मसाज कर लेती हूँ, कभी कभार इसे भी मसाज कर लेती हूँ। एंड देन आपको वॉश करना है शैम्पू, और शैम्पू को आप जस्ट 1 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पर वैसा ही छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ सेकेंड्स के लिए। इससे क्या है, इसके अंदर जो नेचुरल एक्टिव से वो काम करता है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल लग रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे गुड इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी वजह से।
शैम्पू को इस्तेमाल करके आपकी हेयर फॉल काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, स्कैल्प काफी क्लीन रहती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम रिड्यूस होते हैं और हेयर की जो क्वालिटी है वो काफी हद तक इम्प्रूव होती है, हेयर सिल्की होते हैं एंड डेफिनेटली कैफीन होने की वजह से डीएचटी को ब्लॉक करता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।